इसमें संविधान और कानून कहाँ से आता है ब्रजेश? नहीं बिल्कुल संविधान और कानून नहीं आता, मुझे लगता है सपा के प्रवक्ता इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि यदि उनके पास कोई ऐसी पुख्ता जानकारी है कि ये इनकाउंटर फेक है तब तो ये स्टेटमेंट फिर भी चलिए आप मान लेते हैं, ये किसी निर्दोष व्यक्ति का तो इनकाउंटर है नहीं। असद को जिस तरह से जानकारी क्या है, जिस तरह से खुलेआम जिस तरह की सीसीटीवी फुटेज आई है, जिस तरह से खुलेआम और जिस तरह से कानून व्यवस्था को आप मतलब धता बताते हो कि आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करती, वही संविधान जिसकी बात आप कर रहे हो उसी संविधान को ठेंगे पे रखते हुए जिस तरह से उमेश पाल का मर्डर हुआ, आप उसके बाद यदि या तो आपके पास कोई कंफर्म प्रूफ हो कि ये फेक इनकाउंटर है, और यदि फेक इनकाउंटर नहीं है तो इस तरह के शब्द यूज़ करना कि भाईचारा, क्या आप एक आम मुसलमान को इस तरह से जनरलाइज और स्टीरियोटाइप करना चाहते हैं? यदि कोई निर्दोष होता तो निश्चित तौर पर आप कल जो यादव की जिस छात्र नेता की हत्या हुई आप उसके बारे में बोले, निश्चित तौर पर हत्या निंदनीय है और हत्या जो भी हत्या में शामिल हो पुलिस को उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। इसमें ऐसा कौन आदमी है जो कहेगा कि किसी जो बेचारा निर्दोष हो उसकी हत्या हो और उसमें ना करे? लेकिन असद कोई निर्दोष मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई बेचारा एक निर्दोष आदमी है और उसके साथ ऐसा हो रहा है। आप इतने लंबे समय से अतीक अहमद और अतीक अहमद का परिवार और जिस तरह से अपने 35 साल 40 साल से इन लोगों ने अपने गुंडागर्दी का आलम लगा रखा था, उनसे बड़ा कोई गैंगस्टर नहीं था पूरे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह से उमेश पाल की हत्या हुई, इतने लोग सस्पेंड हुए, इतने लोग अरेस्ट हुए, आपको लग रहा है कि ये मतलब फेक इनकाउंटर? और काहे से फेक इनकाउंटर? आपके पास कोई सबूत है ये फेक इनकाउंटर का? और भाईचारे के खिलाफ का तो कोई मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग जोशी जी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि इसमें भाईचारा कहाँ से जुड़ गया। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या ऐसा नहीं हो रहा कि जितने काउंटर हो रहे हैं अधिकतर वो किसी धर्म विशेष जाति विशेष, जो बुलडोजर चल रहा है जो संस्कृति आज उत्तर प्रदेश में चल रही है वो एक धर्म विशेष जाति विशेष के ऊपर बुलडोजर चलने का काम करता है, तो ये भी तो प्रदेश और देश देख पा रहा है ना। देखिए अगर आप इनकाउंटर्स को क्राइम को अगर धर्म और जाति के पैमाने पे रखेंगे तो इस देश में अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेना तो नामुमकिन हो जाएगा। जैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जैन साहब बोलिए। अभी कल परसों 2.5 लाख का इनामी आदित्य राणा मारा गया, हाँ। पुलिस कस्टडी से भागा था, तो वो तो हिंदू है। मैं समझता हूँ कि मैं जब सर्विस में आया तो यही सिखाया गया कि अपराधियों की दंगाइयों की कोई खास नहीं होती, जो क्रिमिनल है जो डाई हार्ड क्रिमिनल है जो शार्प शूटर्स हैं उनकी क्या कास्ट मानी जाए? उन्होंने तो तीन 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 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी, बमबाजी करी। ये बमबाजी तो मैं तब सुनता था जब मैं इलाहाबाद में पढ़ता था, उस समय का ये होता था बमबाजी, की इलाहाबाद की बमबाजी मशहूर थी। ये इस तरह का हत्याकांड को अंजाम देना, दो दो गनर्स को गन डाउन कर देना, और आपने देखा क्या कोर्ट्स की स्थिति है। एक समय जब ये एंटर करता था कोर्ट में तो सन्नाटा छा जाता था, आज अधिवक्ता जो है जूते फेंक रहे हैं, प्रयागराज की सड़कों पे मुझे बताया गया कि मिठाइयां बट रही हैं। अभी साबिर ने मुकदमा लिखाया है, एक साबिर नाम के व्यक्ति ने जिसके साथ घटना की थी 2019 में, इसने अपने साथ के लोगों को भी किसी को नहीं छोड़ा है, अपनी कास्ट के लोगों को भी नहीं छोड़ा है। ऐसा नहीं है ये कि ये केवल ये हिंदुओं को प्रताड़ित करता था या कोई दूसरे पक्ष को टारगेट करता था, ये तो सब पैसे के लालच में जमीनों पे कब्जा करना, प्रॉपर्टीज पे कब्जा करना, हर ठेके में हिस्सा होना, जो जिस रेट पे चाहा उस रेट पे लिखा लिया। आप देखिए देवरिया जेल के अंदर बुलाकर प्रॉपर्टी का बैनामा करा लिया, और इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है? सब घटनाओं में मेरे ख्याल से कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी इन घटनाओं में शरीक हैं चाहे वो हिंदू क्रिमिनल्स हैं चाहे मुस्लिम्स हैं चाहे जो भी हैं उन सब के खिलाफ बड़ी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और एक संदेश जाना चाहिए पूरे प्रदेश में कि जो भी क्रिमिनल एक्ट्स में इन्वॉल्व होगा उनके खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैन साहब आपका लंबा टेन्योर है, पूरी जिंदगी बीती है पुलिस में, ये किस तरह का फर्क पड़ता है जब पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट और रिलीजन के एक्सिस पे गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन और क्राइम को देखती हैं? इसका क्या असर पड़ता है जिसे कहते हैं पुलिसिया कार्रवाई, पुलिसिया प्रशासन, पुलिसिया आउटलुक, क्या फर्क पड़ता है? देखिए प्रभावित तो अवश्य पड़ता है, मैं नहीं कहूंगा कि प्रभावित नहीं होता है, पर यह है कि जो पार्टी पावर में होती है और जो उसके निर्देश होते हैं और जो मैसेजिंग होती है पुलिस फोर्स के लिए टू डीजीपी नीचे तक डाउन द लाइन टिल कॉन्स्टेबल लेवल, वो महत्वपूर्ण होती है।
इस समय मैसेजिंग है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पे चलना है, इस समय मैसेजिंग है कि अपराधियों पे सख्ती करनी है जेलों में, तो की जा रही है। जहां पे गड़बड़ कर रहे हैं जेल वाले उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, मैं इससे भी कुछ सहमत हूँ। कई पुलिस वाले ऐसे थे जो कि इलाहाबाद में प्रयागराज में तैनात थे, जिसके जिनके लिंक्स पाए गए इन सबसे, अन्य विभागों में भी होंगे। मेरी तो ये मांग है कि जितने विभागों में ऐसे इन इनके गुर्गे बैठे हों उन सबको वहां से दूरस्थ स्थानों पर ट्रांसफर किया जाना चाहिए, जिससे कि नॉर्मल जो है एडमिनिस्ट्रेशन चल सके, किसी के दबाव में ना चले। ये आपने कभी नहीं सुना होगा कि चीफ जस्टिस के काफिले के ऊपर हमलावर हो गया था, अतीक का काफिला, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, किसी का मनोबल इतना बढ़ जाए, उनके गुंडों का मनोबल इतना बढ़ जाए कि चीफ जस्टिस के कन्वॉय को चैलेंज करें, तो ये तो एक मैं इस पे क्या कह सकता हूँ। क्या समझ बैठा था वो कि क्या कानून व्यवस्था प्रदेश में देश से बिल्कुल उठ चुकी है, न्यायालय समाप्त हो चुके हैं। ये बात सही है कि बहुत से जजेस अपने को रिक्यूज कर लेते थे, कोर्ट में नहीं आते थे, सरकारी वकील पेश नहीं होते थे, गवाह पेश नहीं होते थे, कोई अगर गलती से पेश हो गया तो उसका हश्र बड़ा बुरा हुआ, ये तो वही जाने कि उसके साथ क्या हुआ, मारपीट की गई, उठाया गया, किडनैपिंग हुई, मर्डर किया गया। ये सब चीजें जो हैं ये भी तो कानून के दायरे में होनी चाहिए थी। अगर कोई अपराध हुआ है तो आप कोई गवाही दे रहा है तो उसको देने दीजिए गवाही, ये भी तो कानून के दायरे में है। ये थोड़ी है कि आप उसको गवाही नहीं देने देंगे तो मतलब सब कुछ आप ही हो गए। नहीं, बिल्कुल बात सही है अनुपम जी। ऐसी चीजें तब तक नहीं हो सकती जब तक शुद्ध रूप से पॉलिटिकल पेट्रोनेज नहीं मिले। इतनी जिसे कह सकते हैं ऑडेसिटी नहीं होती जब तक पेट्रोनेज नहीं मिलती है। अब देखिए कार्तिक जी, आप पॉलिटिकल पेट्रोनेज को बहुत ही जनरलाइज कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं ये पॉलिटिकल पेट्रोनेज बहुत छोटी चीज है। राजू पाल एक सिटिंग बसपा के एमएलए सड़क पे दौड़ा के मारा जाता है, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री होते हैं आके यहाँ पे मंच से अतीक को अपने साथ खड़ा करके कहते हैं ये निर्दोष है, मैं कह रहा हूं ये निर्दोष है। आप सोचें उसके बाद पुलिस प्रशासन का क्या हौसला बचा होगा, क्या ये समर्पण कर रहा है, मेरी इज्जत के लिए समर्पण कर रहा है, आप सोचें उसका। जिया भादुड़ी इसके बाद आती है, सोचें आप इसको, फिर सोचें राजू पाल की हत्या हुई है, राजू पाल की हत्या के बाद वहां उपचुनाव हो रहा है, उसमें मुख्य आरोपी है अशरफ, और उस अशरफ के लिए जिया भादुड़ी आती है, आंचल फैला के कहती मैं अपने देवर के लिए वोट मांगने आई हूँ, मैं इलाहाबाद के लोगों से बहू होने के नाते मुंह दिखाई देकर मांग रही हूँ। आप अभी देखिए, अभी डीजी साहब बोल रहे थे कि अभी राणा का एनकाउंटर हुआ, समाजवादी पार्टी के एमएलए विजय मिश्रा, यहाँ पे उनका पूरा बंगला गिरा दिया जाता है, उनको जेल डाल दिया जाता है, उनके रिश्तेदारों को जेल डाल दिया जाता है, अखिलेश यादव के मुंह से चू नहीं होती। राणा का एनकाउंटर अखिलेश, बात सिर्फ इतनी है कि आप देखिए अखिलेश यादव डिफेंसिव पे क्यों है, अखिलेश यादव इसलिए डिफेंसिव पे है क्योंकि शाइस्ता परवीन को के साथ खड़ी हो गई मायावती, और मायावती ने मुसलमानों से जुड़ने का एक नया तरीका शुरू किया था जो गुड्डू जमानी से होते हुए इमरान मसूद से होते हुए शाइस्ता परवीन तक चलाया। उन्होंने दिखा दिया कि साहब आप तो आजम खान के साथ नहीं खड़े हुए, हम शाइस्ता परवीन के साथ खड़े होंगे। उसके बाद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी में पैनिक आता है। राम गोपाल जिस तरह के बयान देते हैं आप सुनते हैं, वो कहते हैं कि अबोध बच्चों को मार देंगे, क्या क्या बात कर रहे हैं, कब मारा गया, कैसे मार देंगे, पुलिस अपनी कस्टडी में मतलब छोटे छोटे बच्चों को मार देगी, ऐसा ना यहाँ क्या कहीं नहीं हुआ। उसके बाद अखिलेश यादव आज आपको डिफेंड करते नजर आ रहे थे, और सबसे हास्यास्पद उस जो ट्वीट का जो वो था, वो था भाईचारा, एक ये किस भाईचारे की, किस कम्युनल हार्मनी की बात हो रही है। और आप पॉलिटिकल पैटर्नेज, आप जो कह रहे हैं कार्तिकेय जी, आप विपक्ष में रह के पॉलिटिकल पैटर्नेज इस तरह का दे रहे हैं तो आप सत्ता में क्या करते होंगे सोच ले, विच इज नॉट टू एग्जोनरेट बीजेपी। अगर भारतीय जनता पार्टी के शासन में साबरमती और बरेली की जेलों से इस तरह की साजिश हुई तो आप सोचिए भाजपा इसमें बराबर की मुलव्वस है। और जब पिछली बार अतीक अहमद को यहाँ पे 2018 में फूलपुर से चुनाव लड़ाया था भारतीय जनता पार्टी ने, एक निर्दलीय चुनाव लड़ाया था, तो यही समाजवादी पार्टी, यही अखिलेश यादव उसको वोट कटवा कह के मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि वो महागठबंधन का पहला चुनाव था, एक्सपेरिमेंटल चुनाव था। आज आपको अखिलेश यादव के साथ अतीक अहमद के साथ इतनी हमदर्दी हो गई, आपको अतीक के साथ हमदर्दी नहीं है, इनका तो वीडियो भी है लेकिन जिसमें ये अतीक अहमद को मन से उतारने के प्रयास कर रहे हैं, बात सिर्फ इतनी हो मुस्लिमों को, एक मुस्लिम मैसेजिंग है ये, एक कम्युनिटी को मैसेजिंग है कि देखो अपराधी है तो क्या हुआ, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। और ये वो राजनीतिक पार्टियां, खास तौर से कार्तिकेय जी, हिंदुस्तान भर की जो रीजनल पार्टी थे जिनको हम पोस्ट मर्डर पोस्ट 90s देखते हैं,
उन जितनी रीजनल पार्टीज है उनका एक सबसे बड़ा वोट बैंक माइनॉरिटी होता है, मुस्लिम होता है, और इसके लिए वो किसी भी हद तक चले जा सकते हैं। और जो आज अखिलेश यादव का ट्वीट आया है उसी श्रेणी में आता है। इसलिए अभी असदुद्दीन ओवैसी ट्वीट कर रहे हैं कि कानून का एनकाउंटर हो गया है। देखिए बिल्कुल, और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स ही ज़्यादा वो है, क्योंकि ये किसी आम आदमी का इनकाउंटर नहीं हुआ है, ये एक बहुत दुर्दांत अपराधी और उसके बेटे का इनकाउंटर हुआ, जो इस तरह से एकदम जिस बेखौफ अंदाज में उसने ये मर्डर कैरी आउट किया भी रहते 2-3 घंटे पहले कि विश्वास नहीं हो रहा है कि इस तरह की चीज़ बिल्कुल हो सकती। मैं अनुपम की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं भी इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, हमने मतलब अपने पूरी ज़िंदगी अतीक अहमद के अलावा हमने किसी गैंगस्टर का नाम ही नहीं सुना, और जिस तरह से आप बड़ी महंगी ज़मीन हो उस पर कब्ज़ा अतीक अहमद का, बड़े बड़े ठेके हों उसका कट अतीक अहमद का, ऐसा आप कुछ भी इलाहाबाद में नहीं कर सकते जिसमें अतीक अहमद का कट ना हो। और जिस तरह से राजू पाल का मर्डर हुआ, आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ, उमेश पाल के मर्डर के अलावा राजू पाल का मर्डर आप देखिए, जिसके उमेश पाल मुख्य गवाह थे। राजू पाल एक MLA था और जिस तरह से उसकी हत्या हुई, मतलब ये अपने आप में एकदम फिल्मी कहानी है, और हत्या के मेन आरोपी अतीक अहमद के भाई अशरफ ही थे। तो इन लोगों का एक वर्चस्व था, इन लोगों का एकदम निर्बाध गति से इनके अपराध का शासन चलता था। सरकार किसी की हो, सरकार किसी की आए किसी की जाए, इनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो जिस तरह का एक्शन हुआ है वो निश्चित तौर पे मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश के कई समीकरण बदलने वाला एक्शन हुआ है। ठीक है भास्कर जी, एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कार्तिकेय जी, अगर आप आज्ञा दें। मैं भास्कर जी के पास चला था, उनको भी उसके बाद काफी देर से वो आ रहा है, बोलना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। भास्कर जी, जी जी भास्कर जी, भरे मन से आवाज आ रही है आपको? हाँ आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। मैं आदरणीय अनुपम मिश्रा जी को जवाब देना चाहता हूँ। आदरणीय अनुपम मिश्रा जी की आवाज आ रही है? मैं चाहता हूँ कि यही माननीय अखिलेश यादव जी थे, पूरे सोशल मीडिया में वो वीडियो है जो धक्के मार के निकालने का काम, हम उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं जो कानून के तहत कार्रवाई नहीं हो, संविधान के तहत ना हो, ये लड़ाई अलग है। अतीक अहमद को पूरे उसमें वीडियो है, माननीय अखिलेश यादव जी ने भरे मन से बाहर निकालने का काम करा, जो आप हमारे नेता की छवि खराब करने का वीडियो का जिक्र किया। हाँ मैं आपको दूसरा विषय बताना चाहता हूँ, और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को याद दिलाना चाहता हूँ, शायद ये भूल गए, ये भारतीय जनता पार्टी वही है जब इनके गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों की हत्या कर दी थी, तो इसी पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फैल गए थे, कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, बार बार नोटिस चस्पा हो रहे थे लेकिन उसको पकड़ा नहीं जा रहा था, कितने जब कोर्ट ने हस्तक्षेप करा तब उसको उसमें कार्रवाई होने का काम करा। जब अपनों के साथ अलग भेदभाव, आज 22 मंत्री इनके दागी है जो योगी सरकार में कैबिनेट, जिन पे गंभीर मामले चल रहे हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? टॉप 10 की लिस्ट क्यों सरकार जारी नहीं कर रही? टॉप 100 की लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रही, जो कि माननीय अखिलेश यादव जी बार बार डिमांड कर रहे हैं सरकार से, क्योंकि अधिकतर अपराधी भारतीय जनता पार्टी, इसलिए इस तरह का भेदभाव। मैं एक चीज देखिए, सुनिए पहले ओवैसी की बाइट सुन लीजिए, फिर मैं चर्चा जारी करूंगा। ओवैसी की बाइट सुनिए, शेर खुदा के वाकयात आपके सामने रखा हो, याद रखो अगर ईमान की हरारत पैदा हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला ये जुल्म खत्म होगा, और हमारे वतन अजीज में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहबा अमेरिका गए, अमेरिका जाकर उन्होंने बयान दिया कि इंडिया में, भारत में मुसलमान खुश हैं, और इतने खुश हैं कि उनकी आबादी पाकिस्तान से ज्यादा है, यानी कुछ भी हुआ तो हमारी आबादी पर आ जाते हैं पाकिस्तान से। अरे मोदी जी, हमारा देश तो विश्वगुरु है, विश्वगुरु रहे कि आप पाकिस्तान से तकबूल कर रहे हैं, अमेरिका से करते, बर्तानिया से करते, पाकिस्तान से करके किसकी तौहीन कर रहे हैं आप? और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा को हम बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान से हमारा तहाबुल मत करिए आप, और अगर हमारी आबादी बढ़ रही नहीं कम हो रही है, ये गवर्नमेंट का डेटा है, TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा कम हो रहा है, तो आबादी कम हो रही है तो अब आप क्रेडिट ले लेंगे, कल मन की बात में आके बोलेंगे मित्रों ये कम हो रहा है मेरी वजह से, ये पूरा TFR रेट है, गिर रहा है, फिर बोलते नहीं कुल सब अच्छा है। अरे
अगर अच्छा बोला उन्होंने कि फेलोशिप मिल रही है, कितना झूठ बोलते हैं जो मुसलमानों को, अकलियतों को, माइनॉरिटीज को एमफिल और पीएचडी करने के लिए मौलाना आजाद फेलोशिप मिलती थी, ये मोदी की हुकूमत ने उसको बंद कर दिया, मनी कर दिया। जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के पैसे मिलते थे उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 9 और 10 की जमात के बच्चों को मिलेंगे। सारी दुनिया जानती है कि मुसलमानों के बच्चे तीसरी जमात से स्कूल में ड्रॉप आउट होता क्यों।